छतरपुर में केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ ग्रामीण अधिकार संगठन के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। धरना देने गए लोगों को जब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो वह मेला ग्राउंड में धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण अधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन ने धरने पर बैठने के पहले उन्हें अस्थायी परमिशन दी थी, लेकिन फिर उस परमिशन को रद्द कर दिया गया। इस बात से गुस्साए संगठन के कार्यकर्ताओं की तहसीलदार और पुलिस के बीच नियमों को लेकर बहसबाजी भी हुई, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता नहीं माने और फिर मेला ग्राउंड में कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। दरअसल किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। हमने भी किसान आंदोलन के तहत पूरे जिले में ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों की स्थिति पूरे जिले में बहुत ही दयनीय है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं। आज से हमारा यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू होने वाला था। हमने बाकायदा अनुमति मांगी थी SDM मैडम के पास, कलेक्टर साहब के पास, उनसे पावती भी ली। हमने 4 तारीख को मांगी थी, आज से 7-8 दिन पहले, और उसमें CSP महोदय की टीप भी लगी है, उसमें CMO साहब की भी टीप लगी है। अब प्रशासन गोलमोल यहाँ अनुमति देने में आनाकानी कर रहा है, गोलमोल। हमें टेंट नहीं लगाने दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। टेंट नहीं लगाने दिया, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कई बुजुर्ग किसान भी हैं, लेकिन हम यहीं पर खुले आसमान के नीचे यहीं बैठेंगे, यहीं लेटेंगे। जो भी अगर किसी को कोई तबीयत खराब होती है, किसी को कोई हानि होती है, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। ये इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था वो अनिश्चितकालीन तक समय सीमा के लिए आवेदन दिया गया था। कोई भी आवेदन जो होता है समय सीमा के आधार पर ही तय होता है कि परिस्थितियाँ क्या रहे, और चूँकि आपको मालूम है कि COVID-19 के जो गाइडलाइन है वो लागू है, वो देखते हुए भी अनुमति इनको नहीं दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।